आज कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इस ऑफिस में हम खड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट मुसम्मिल बागू साहब और हमारे हज कमेटी के मेंबर चांद पाशा साहब, मोहम्मद अब्दुल कर कबीर अहमद साहब और हमारे मुस्तफ़ा बादशाह साहब और हमारे फारूक साहब ऑफिस सेक्रेटरी और तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इस दामन में मुझे बैठने का मौका मिला हज कमेटी के अंदर। ये अल्लाह का घर है, यहाँ से लोग जाने वाले अल्लाह के घर की ज़ियारत को जाते हैं, तो हम उनकी खिदमत में बैठे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिन में जब भी हज को जाने वाले यात्री रहेंगे, हम पूरी कमेटी के लोग मिल के मेंबर्स मिल के उनकी खिदमत करेंगे, अच्छा से अच्छा उनका इंतजाम करके यहाँ से रवाना करके वापस वैसे ही उनको हम रिशू करेंगे। और हमारे साथ हमारे सदर साहब हैं जनाब मुजम्मिल साहब, वो आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज बड़ा खुशी का और मसरत का दिन है कि बहुत से रोड़ों अटकाने के बावजूद भी जो है अल्लाह ताला का बेहद करम एहसान करम है कि गैबी मदद फरमा कर हमारे रऊफुद्दीन कचहरी वाले को जो है आज एक कुर्सी पे बैठने का जो है मौका मिला है। और मैं रऊफुद्दीन साहब से और जितने भी अराकीन हैं उनसे आज जाना इल्तिमास और गुजारिश करूँगा कि लोग खादिम मन की खिदमत करें। एक मुकद्दस जगह है, यहाँ जो है जितने भी हुज्जा जाएंगे उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम करें और जो है दुआएं का मौका उनके दुआ लूटने का मौका है, भरपूर दुआएं लूटने की कोशिश करें और खिदमत सर अंजाम दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम बलारी से आए हैं मुलाकात करने के लिए हज कमेटी चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरी वाला साहब से। देखिए चैनल वालों को मैं मुबारकबाद देते हुए बात की इतला देता हूँ कि आज कई सालों के बाद यहाँ पर एक चेयरमैन हज कमेटी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है। हम दिल तहदी से मुबारकबाद देते हैं और मुजम्मिल बाबू साहब को दीगर जो मेम्बरान हैं उनको भी हम मुबारकबादी देते हैं ताकि आने वाले दिनों में हज के मामलात को जो है ना अच्छी तरीके से वो खिदमत अंजाम दें। मैं इतना कह करके बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।